तो इस वीडियो में बात करेंगे हिंदू कॉलेज की एक नई वैकेंसी आई थी, आपको पता है जनवरी महीने में इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था। तो आप सभी को पता है कि इसका जो नोटिफिकेशन था 16 जनवरी 2024 को आउट हुआ था, और ये जो आपकी वैकेंसी थी वो नॉन टीचिंग पोजीशन पर थी, ठीक है। तो जिसमें आपके लेब असिस्टेंट वगैरह और आपके लेबोरेटरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, इस प्रकार की पोस्ट थी, और जिसमें आपके पास आवेदन मांगे गए थे, ठीक है। तो आप सभी को ने इस पर, बहुत से लोगों ने इसमें फॉर्म भी अप्लाई किया है, क्योंकि इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो केवल 12th पास भी मांगी गई थी, और ठीक है। तो इस वीडियो में बात करेंगे इसके एग्ज़ाम डेट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्टों पर मतलब ये वैकेंसी आई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट पर आई थी, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। एक थी लेबोरेटरी अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट, इस प्रकार की पोस्ट थी। और इसमें फिर इस नोटिफिकेशन में इन चीज़ों के अलावा और भी कुछ भी इसमें डिटेल नहीं दी गई थी, जैसे भी सिलेबस वगैरह, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह, एग्ज़ाम डेट वगैरह, कब आपका एग्ज़ाम होगा, इसके रिगार्डिंग इसमें कुछ भी नहीं दिया गया था, ठीक है। तो मैं इस पर यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो दिख रहा हूँ कि जिसमें बताया जा रहा है कि जो आपके ये ना एग्ज़ाम है ना, वो कैंसिल हो गई है, कैंसिल मतलब रद्द कर दी गई है। तो मैं इस पर बात बताना चाहता हूँ कि जो आपकी ये वैकेंसी है ना, वो रद्द तो नहीं होगी, क्योंकि जो भी आपकी मतलब कॉलेज से रिलेटेड या नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट होती है ना, उसमें वो रद्द नहीं होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आपकी एग्ज़ाम कब तक होगी। तो पहली बात तो आपकी ये पोस्ट कभी भी रद्द नहीं होगी। और अब बात करते हैं कि जो आपकी एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए जो आप एक मान सकते हैं ना मंथ, कि आपको पता है कि इसके एग्ज़ाम फॉर्म भी भर चुके हैं, और अभी भी इसका कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं है कि आपकी एग्ज़ाम इस मंथ में होगी। तो देखो, इस वीडियो में बस इतना बताना चाहता हूँ कि आप इस वैकेंसी के पीछे मत पड़ो, क्योंकि पता नहीं कि इसकी एग्ज़ाम कब होगी, आप इसके चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मेरा कहना यही है कि चलो मान लो कि आप तैयारी करते रहो, लेकिन आप कोई दूसरी वैकेंसी की तैयारी करो, ठीक है। कि इसका पता नहीं है कि इसकी एग्ज़ाम कब होगी, तो बस यही बात बतानी थी इसमें। और जिसमें कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, आप इनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, वैकेंसी के रिगार्डिंग।